परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के पवित्र शास्त्र अध्ययन में हम देखने वाले हैं कि अपोलॉजेटिक सेवा क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है। अपोलॉजेटिक्स ये शब्द जो है ग्रीक शब्द एपोलोजिया से लिया गया है। इसमें एपो का अर्थ है निरस्त करना या बचाव करना, लोगिया का अर्थ है भाषण या बोलना, और इसके अनुसार एपोलॉजेटिक्स इस शब्द का अर्थ है बचाव में बोलना, व्यवस्थित और संपूर्ण रूप से विवेकपूर्ण तरीके से मसीही सिद्धांतों के खिलाफ उठाए गए हुए सवाल या प्रश्नों का जवाब देना। हम पवित्र शास्त्र में इस शब्द को अपोलॉजी है इस शब्द को कई बार पढ़ते हैं। पहली पत्रस उसकी तीसरी अध्याय 15 वचन में हम पत्रस को इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए पाते हैं और वो इस प्रकार से कहता है, आइए हम पढ़ेंगे पहली पत्रस तीसरी अध्याय 15 वचन। मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। तो पत्रस को यहाँ पर हम कहते हुए सुनते हैं कि हमें हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमसे हमारी जो आशा या हमारे विश्वास के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मसीह इतिहास के अंदर से आरंभ से ही एपोलॉजेटिक सेवकाई की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में शिष्यों के, फरीसियों के, शास्त्रियों के और अनेक ऐसे लोग जिन्होंने आकर यीशु से सवाल पूछे उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। यीशु मसीह को जब विरोध किया गया कुछ बातों को लेकर, तब यीशु मसीह ने उन्हें अच्छी रीति से जवाब दिए, जिससे सामने वालों के मुंह बंद हुए, कई लोगों के शंकाओं का या संदेह का निरसन हुआ। और हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु यीशु को कई बार सवाल पूछे और प्रभु यीशु मसीह ने उनके सवालों का जवाब दिया। उदाहरण के तौर पर मत्तै उसकी 24वीं अध्याय में उन्होंने परमेश्वर का राज्य कब आएगा इसके बारे में पूछा, और यीशु मसीह ने मत्तै की 24वीं अध्याय में सविस्तर उन्हें जवाब दिया। साथ ही साथ जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी एक बार प्रभु यीशु से पूछा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है। यहाँ पर मसीहा के ऊपर सवाल किया गया था कि यीशु मसीह सच में वो मसीहा है जिसे पुराने नियम में अभिवचन के रूप में बताया गया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, जिसकी बात यहूदी सालों से कर रहे थे। और एक प्रकार से यीशु मसीह के दैवत्व पर, यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने पर सवाल था, और प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। हम मत्तै 11:5 में पढ़ते हैं, यीशु ने उसे एक उत्तर भेजा और वो क्या था, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हम देखते हैं यूहन्ना उसकी 20वीं अध्याय 27 वचन में यीशु मसीह थोमा को अपने घावों को दिखाकर कहता है कि थोमा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये बहुत ही आवश्यक था कि यीशु मसीह अपने जी उठने को अपने चेलों पर पूरी रीति से साबित करे, और हम देखते हैं यीशु मसीह ने बार बार इसे साबित किया। यीशु मसीह 40 दिन उनके साथ रहा पुनरुत्थान के बाद, और नाना प्रकार से उन्हें दर्शन देकर, उनके साथ भोजन कर उन्हें अपने शरीर को छूने देकर उसने बताया कि वो जीवित है। इसी प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं उसने पुराने नियम से, पवित्र शास्त्र से, नबियों की किताब, मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब या हम कह सकते हैं कि भजन संहिता वगैरह, सब में से उन्हें साबित किया कि वह मृत्यु से जी उठा है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरित कामों में भी हम पाते हैं कि सवालों के जवाब दिए गए। जब मसीह के ऊपर हमले हुए, जब लोगों ने प्रश्न पूछे, पत्रस ने जवाब दिया, पौलुस ने जवाब दिए, स्टेफनस के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने भी जवाब दिए, और हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं
फिर जो एक कामों के अंदर, फिर उसके बाद पत्रियों में हम पाते हैं कि पौलुस ने भी कलीसिया के अनेक प्रश्नों का निरसन किया। पौलुस वो व्यक्ति था जो आंखें खोले हुए था, वो एक ऐसा प्रचारक था जिसे कलीसिया की आवश्यकता पता थी। उसे पता था कि कलीसिया के विरोध में किस प्रकार के हमले हो रहे हैं। उसने झूठी शिक्षाओं का विरोध किया और हम देखते हैं उसने गलाती की पत्र लिखी, पहली करंथियों की पत्र लिखी, जिसके अंदर अनेक सवालों के जवाब उसने दिए हैं जो मसीहों के अंदर, उन दिनों की कलीसिया के अंदर उठे थे। और बहुत सी झूठी शिक्षाएं उठ खड़ी थी जो मसीहत पे सवाल उठा रही थी, और पौलुस ने बहुत ही अच्छी रीति से उनके जवाब दिए। यीशु मसीह की दिव्यता अर्थात उसका दैवीपन, उसकी क्रूस पर की मृत्यु और पवित्र शास्त्र की अन्य सच्चाइयों पर अनेक बार उंगलियां उठाई जाती हैं, अनेक बार मसीह विश्वास का मजाक उड़ाया जाता है या उन पर सवाल उठाए जाते हैं, संदेह प्रकट किए जाते हैं। और ऐसे समय पर आवश्यक है कि मसीह लोग पवित्र शास्त्र का योग्य अध्ययन करें और उन्हें नम्रता और लीनता के साथ जवाब दें ताकि वे निरुत्तर हों। और इस सेवकाई की आज भी बहुत सारी आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कई बार जो एपोलोजिटिक्स मिनिस्ट्री को कम आका जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनकी ओर उन्हें दुर्लक्ष किया जाता है, और ये बहुत ही कलीसिया के लिए भयानक बात है। क्योंकि एक समय था जब एपोलोजिटिक्स मिनिस्ट्री ने कलीसिया को झूठी शिक्षाओं से और झूठी शिक्षा के प्रादुर्भाव होने से बचाया। दूसरी और तीसरी शताब्दी के अंदर बहुत सारे नॉस्टिक गॉस्पल्स या नॉस्टिक विद्वान या नॉस्टिक सुसमाचार, ऐसी शिक्षाएं उठ खड़ी हुई। यदि वे फैलती, यदि कलीसिया पर उसका पगड़ा जाम होता, तो आज कलीसिया का रूप पवित्र शास्त्र के अंदर जो दिया गया उससे भिन्न होता। लेकिन हम देखते हैं दूसरी और तीसरी शताब्दी के अगुओं ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए स्टैंड लिया, उन्होंने पवित्र शास्त्र का उचित अध्ययन किया, प्रेरितों की शिक्षा पर कायम रहे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को उन्होंने पकड़े रखा और उन सभी झूठी शिक्षाओं का उन्होंने सफाया किया, उन्हें जवाब दिया और कलीसिया को बचाए रखा। एपोलॉजिटिक्स सेवकाई की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आज भी जाकिर नाइक, रायोल आयरिया और ऐसे अनेक लोग जो हैं आज उठ खड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया पर, जो मसीह धर्म की मान्यताओं के खिलाफ सवाल उठाते हैं। ऐसे नास्तिक हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व, बाइबल, परमेश्वर की राज्य की बातें उन पर सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मसीह की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाए जाते हैं, कई शिक्षाओं को जो है जो बाइबल के अंदर दी गई है उन पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे समय पर अपोलॉजिटिक्स जो मिनिस्ट्री है वे जवाब देने में सक्षम होते हैं और इसीलिए इसकी आवश्यकता है। इतना ही नहीं, केवल बाहर से नहीं लेकिन कलीसिया के अंदर से भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, जो जवान पीढ़ी, नई पीढ़ी अनेक सवालों को उपस्थित करते हैं। हम देखते हैं कलीसिया के अंदर अनेक लोग उठ खड़े होते हैं जो बाइबल को गलत रीति से समझ बैठते हैं और झूठी शिक्षाओं का जन्म होता है, पवित्र शास्त्र के संदर्भ को गलत रीति से लिया जाता है, ऐसी गलत प्रथाएं जो सालों से चली आ रही हैं, ऐसे अनुष्ठान, ऐसी संस्कृति जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ है, जो मसीह लोग पालन कर रहे हैं, उसे उजागर करने के लिए अपोलॉजिटिक सेवकाई की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कलीसिया के अंदर अनेक झूठे पास्टर थे, अनेक ऐसे समृद्धि प्रचारक हैं जो अपने फायदे के लिए कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें उजागर करने के लिए, उनके बारे में जागृति लाने के लिए आज अपोलॉजिटिक्स मिनिस्ट्री की आवश्यकता है। एक समय था, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, योना के शिष्य पॉलीकार्प रोम के मॉर्सिन नामक झूठे प्रचारक से जब मिले, जब उसने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तब उसने कहा हाँ मैं तुझे जानता हूँ, तू शैतान का ज्येष्ठ पुत्र है।
और इस प्रकार से पॉलीकार्प ने उस झूठे शिक्षक को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे कलीसिया के सामने उजागर किया। और आज भी ऐसी आवश्यकता है। आज हम देखते हैं अनेक झूठे प्रचारक हैं, पास्टर्स से, प्रॉस्पर प्रीचर्स से, अपोस्टल्स अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, भविष्यवक्ता अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, पास्टर अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, लेकिन वे लोगों को भरमा रहे हैं अपने फायदे के लिए। वे सच्ची शिक्षाओं को नहीं दे रहे हैं और इसीलिए आवश्यक है कि अपोलॉजिटिक्स जो मिनिस्ट्री है वो बढ़े और ऐसी शिक्षाओं को, ऐसे पास्टर्स को, ऐसे गलत धारणाओं को वे उजागर करें, उनका विरोध करें। उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों में सच्ची शिक्षाओं की रुचि पैदा कराना भी आवश्यक है। लोगों को बाइबल पढ़ने, पवित्र शास्त्र का उचित अध्ययन करने और अनेक प्रकार के साहित्यों का, अर्थात जैसे कि पुरातत्व शास्त्र, मसीह इतिहास, सिद्धांत की किताबें और अनेक ऐसे विषयों पर उन्हें लेख, किताबें उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षित करना और प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है और इसीलिए ऐसे सेवकाई की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के लिए इस सेवकाई की उपलब्धता प्राप्त हो। आज हमारे बीच में कुछ अच्छे अपोलॉजिटिक्स हैं और हिंदी में खास करके मैं ब्रदर फ्रांसिस ग्लोरी अपोलॉजिटिक्स का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनेक वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो उन्हें, जो अन्य जातियों को तो जवाब दे ही रहे हैं, साथ ही साथ झूठे पास्टर्स, भविष्यवक्ता और प्रचारकों को भी वे उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही सुसमाचार फैलाओ कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए वचन की शिक्षा और सच्चाई के सिद्धांत उन्हें सिखाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए भी वे आगे आ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करूँ। मैं चाहूँगा कि आज का दिन यहीं पर समाप्त करूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अनेक लोगों तक शेयर कीजिए। अपोलॉजिटिक्स मिनिस्ट्री के बारे में और भी मैं बहुत कुछ बताना चाहूँगा और सिखाना चाहूँगा, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए इस चैनल का। प्रभु आप सबको आशीष करें।